उधर जोशीमठ में आई पहाड़ी आफत लगातार बढ़ती जा रही है। जोशीमठ के हालात से निपटने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। आज से जोशीमठ में जल शक्ति मंत्रालय की टीम अपने सर्वे के काम की शुरुआत करेगी। वहीं आज गृह मंत्रालय से भी एक टीम जोशीमठ पहुंच रही है, जो हालात का जायजा लेगी। जोशीमठ में अभी तक 678 जगहों पर दरारें आ चुकी है। प्रशासन घरों की मार्किंग करके उन्हें खाली करा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार हर मिनट का अपडेट ले रही है। और आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के मुख्य सचिव एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। साथ ही आज राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने जोशीमठ में बारिश का अलर्ट जारी करके यहाँ के लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज जोशीमठ को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाएगी। इसी प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में आज पूजा पाठ होगा। मंत्रोच्चार के साथ साथ घंटियों और शंखों का नाद होगा। इस पूजा पाठ के जरिए जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना की जाएगी। इसके साथ साथ इंसानी कोशिशें भी अब परवान चढ़ने लगी हैं। आज से जल शक्ति मंत्रालय की टीम जोशीमठ में सर्वे का काम करेगी। टीम 3 दिनों तक जोशीमठ के सभी इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं आज गृह मंत्रालय से भी एक टीम जोशीमठ पहुंच रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जोशीमठ के हालात को आपदा घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। केंद्र सरकार के अफसरों को उत्तराखंड सरकार की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की पहली कोशिश है कि यहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहां पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। राज्य सरकार ने जोशीमठ को जिन 3 जोन में बांटने का फैसला किया है, वो जोन हैं डेंजर, बफर और सेफ जोन। जोन के आधार पर घरों, मकानों, दुकानों, धर्मशालाओं और होटलों की पहचान की जाएगी। जोशीमठ में अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं। यहां से प्रशासन अब तक 81 परिवारों को शिफ्ट कर चुका है। आने वाले दिनों में और कई परिवार शिफ्ट किए जाएंगे। करीब 81 फैमिलीज हैं जो हमने तमाम होटल्स, धर्मशाला और अलग अलग गेस्ट हाउसेज में हमने लोगों को शिफ्ट किया है। तो अभी जो हमारा इमीडिएट फोकस यही है कि जो लोग इन एरियाज में बच गए हैं, रह गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अनसेफ हैं और कुछ उनकी जस्ट इमीडिएट विसिनिटी में है, कि अगर कोई ऐसा अनसेफ स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी, तो जो नियरबाय स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। तो उन नियरबाय स्ट्रक्चर्स में भी जो लोग हैं उनको हम इमीडिएटली हम शिफ्ट करें। वही राज्य सरकार की सर्वे रिपोर्ट के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रशासन अब उन घरों और मकानों को लाल रंग से मार्क कर रहा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इस निशान का मतलब है कि ये घर रहने लायक नहीं है और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसे मकानों में रहने वालों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द घर खाली कर दें और सरकार के बनाए हुए शेल्टर होम्स में शिफ्ट हो जाएं। उन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है जो ऐसी स्थिति में है जो सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, और उन्हें गिराकर मलबा हटाने की जो बात थी वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इस मकान पर लाल निशान लगा दिया गया है। इस तरह से हर बिल्डिंग पर लाल निशान लगाया गया है क्रॉस,
जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मकान जनता को खाली करने होंगे, सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और धीरे धीरे करके इन सभी मकानों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें इनमें रहा जा सके। अब जब प्रशासन की तरफ से लाल निशान दिखा दिया गया है तो अब यहां से लोग अपना सामान खाली करने लगे हैं। फिलहाल यहां सामान पैक किया जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है और लोग अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। राज्य सरकार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा रविग्राम में 161, गांधीनगर में 134, मनोहर बाग में 80, सिंहधार में 56, परसारी में 51, अपर बाजार में 31, सुनील वार्ड में 38, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकानों में दरार आई है, जहां प्रशासन ने लाल निशान लगाया है। घरों में आई दरारों के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर यहां के लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनके घरों को सील कर रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उनको जाना कहां है। पहले इन्होंने सील कर दिया गया है। अच्छा, है ना, सील करने से पहले व्यवस्था किया जाए ना। अच्छा, सील करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा? ये क्या कि किसी ने बेद रखा हमको सील करने कर, किसी ने बेद है उसका नाम पता। जोशीमठ की बड़ी आबादी के ऊपर दोहरा संकट आ गया है। पहला, उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। दूसरा, वो जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आखिर जाएं तो कैसे जाएं? तो प्रशासन की कोशिश ये है कि घरों को खाली करवाया जाए ताकि किसी तरह की जान हानि ना हो, लेकिन लोग विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आप हमें हटा तो रहे हैं लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? घरों से सामान खाली करने के लिए वक्त नहीं दिया गया और ये नीचे जाने का जो रास्ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसे सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। जब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो लोग कहाँ जाएं और इसी बात को लेकर गुस्से में है। वहीं प्रशासन कह रहा है कि यहाँ लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है ताकि किसी तरह के जान की हानि ना हो। जोशीमठ के घरों में आई दरारों का संकट अभी टला भी नहीं कि अब यहाँ के लोगों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। पहले हर दिन धंसती जमीन और अब बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज जोशीमठ में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जोशीमठ के आसमान में बादल दिखने लगे हैं। इस सीजन में यहाँ बर्फबारी और बारिश का मौसम है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी और लोग शुक्र मना रहे थे कि भगवान की दया से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए भूस्खलन की गति सीमित है। बादल प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि प्रशासन को बड़ी संख्या में लोगों को पुनर्वासित करना है और उनके रहने के इंतजाम में बारिश और ठंड एक बड़ी चुनौती होने वाली है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसीलिए जोशीमठ के लोग ये दुआ कर रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाल फिलहाल बारिश ना हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 11 तारीख से लगातार यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई। जोशीमठ में हर दिन चौड़ी होती दरारें लोगों में डर पैदा कर रही हैं। लोग इन दरारों को देखकर दहशत में हैं। उनके सामने अपनी और अपने परिवार को बचाने की चुनौती है। ऐसे में जोशीमठ के लोगों को अब सरकार के साथ साथ ऊपर वाले का ही सहारा है। आज से नरसिंह मंदिर में एक बार फिर पूजा शुरू होगी। ये मंदिर जोशीमठ यात्रा के सबसे पवित्र स्थानों में एक है। मंदिर में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में स्थापित हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पूजा रोक दी गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से पूजा शुरू हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।